Zombie Apocalypse. तो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं क्या हुआ. तो एक्चुअली माय ग्रैंडफादर पास्ड अवे बिकॉज ऑफ दिस कोविड. तो दैट्स व्हाई दिस इज द थिंग. ठीक है, तो कुछ और ऑप्शन नहीं था. लाइक एंड इस सारी चीज़ों के बाद से इस बात को सारे लोग बड़ा ध्यान रखो यार कि घर के अंदर रहो बिकॉज थिंग्स आर नॉट एट ऑल गुड आउटसाइड. और अपने आसपास जब चीज़ें दिखती हैं तो ज़्यादा समझ आता है, लगता है कि नहीं यार बाहर सच में बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति है. तो बिलीव मी बहुत बुरी स्थिति है बाहर में. और एंड एट द सेम टाइम सम ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स आर स्टिल डाउन विद कोविड, सम ऑफ देम आर क्रिटिकल. तो एंड सोचो बुरी बात, सबसे ज़्यादा बुरी बात ये है और सबसे ज़्यादा विडम्बना ये है कि मैं यहाँ से ट्रैवल नहीं कर सकता हूँ उनके पास जाने के लिए या उनको देखने के लिए. बिकॉज ये कोविड ऐसी चीज़ है, बीमारी ऐसी है कि मतलब इट्स जस्ट लाइक सो कंटेजियस कि आप साथ पास जाके उनकी मदद भी नहीं कर सकते हो. तो और दूसरा कि लॉकडाउन की जो स्थिति है आसपास, इवन ट्रैवलिंग में इतना जितना खतरा है, उन सब चीज़ों के कारण से आई एम नॉट इवन एबल टू ट्रैवल. सो दैट्स व्हाई आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि भाई कोई ऐसी सिचुएशन आए ही ना. अपने घर पे अपना ध्यान रखो, अपने बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखो बिकॉज बड़े बुजुर्ग जो हैं दे आर वेरी प्रोन टू दिस एंड दिस इज रियली वेरी 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 बैड. ओके, चलो मेरी आपसे प्रार्थना है और मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप इस समय देश में जहां भी हैं वहीं रहें. खत्म.